नमस्कार। शरीर को शांत और स्थिर अवस्था में रखते हुए सामान्य स्वाभाविक श्वासों पर ध्यान बनाए रखना है। आज का ध्यान अभ्यास है आनापान। आनापान एक सीधा सरल प्रयोग है जिसमें अपनी आती जाती श्वास के प्रति साक्षी भाव जगाना है। श्वास जीवन है। श्वास से ही हमारे प्राण हमारे देह से जुड़े हैं। श्वास एक सेतु है। इस पार देह है तो उस पार चैतन्य है, और देह और चैतन्य के मध्य में श्वास का सेतु है। निरीक्षण करते रहना है कि हमारी सामान्य स्वाभाविक श्वास कितनी सहज अपने आप ही चलती जा रही है। हमारी श्वास को वैसे ही देखते रहना है जैसी वे है। सांस लंबी है तो लंबी है, छोटी है तो छोटी है। श्वास गहरी है तो गहरी है, उथली है तो उथली है। श्वासों की गति को बदलने का प्रयास नहीं करना है। इस समय जैसी भी श्वास चल रही है बस उसे देखते रहना है। शांत बैठकर श्वास को देखते रहना है। देखते देखते ही श्वास संतुलित, गहरी और शांत हो जाएगी। जब हम श्वास को देखते रहते हैं तब हम श्वास से भिन्न होने का अनुभव पा लेते हैं।
और जब श्वास से भिन्न हो गए ऐसा अनुभव हो जाए, तब एक अनोखा साक्षी भाव अनुभव होने लगता है। जैसे हम किसी वस्तु के दर्शन करते हैं, तब हम उस वस्तु से भिन्न अस्तित्व होते हैं, तभी हमारी आँखें उस वस्तु को दृष्टा बनकर देख पाती है। उसी प्रकार हम स्वयं के श्वासों को दृष्टा बनकर जब देख पाते हैं, तब उस समय हमारा और श्वासों का अस्तित्व भिन्न अनुभव होता है। हम स्वयं के श्वासों को दृष्टा बनकर जब देख पाते हैं, उस समय हमारा और श्वासों का अस्तित्व भिन्न होता है। जब हमारा अस्तित्व सांसों से भिन्न है ऐसी अनुभूति हो जाए, तभी सांसों को देख पाना संभव होता है। स्वयं की सांसों को देखते रहना है। इस अभ्यास को कुछ समय निरंतर करते रहना है।
यह अभ्यास जब गहरा हो जाएगा तब श्वास को देखते देखते एक समय ऐसा भी आएगा जब हम शरीर से भी भिन्न हो गए हैं, ऐसी अनुभूति होगी। श्वास और शरीर से भिन्न होते ही शाश्वत का दर्शन हो पाता है। उस दर्शन में उड़ान है, उस दर्शन में ऊंचाई है, उस दर्शन में गहराई, मुक्ति और अनंतता है। मन बार बार पूछेगा क्या होगा इस तरह से सांसों को देखने से। इस देखने से कुछ अद्भुत और अपूर्व घटित होता है। केवल देखने मात्र से चित्त के सारे विकार क्षीण होने लगते हैं। सांसों को देखते देखते ही मैं देह नहीं हूँ इसकी प्रत्यक्ष प्रतीति हो जाती है। सांसों को निरंतर देखने मात्र से मैं मन नहीं हूँ इसका स्पष्ट अनुभव हो जाता है। सांसों को देखते देखते मैं श्वास नहीं हूँ इसकी स्पष्ट अनुभूति हो जाती है। और अंतिम अनुभव होता है कि मैं श्वास नहीं हूँ फिर मैं कौन हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ। ना मैं मन हूँ ना मैं शरीर हूँ ना मैं श्वास हूँ
तो फिर मैं कौन हूँ? स्वयं को पूछे कि मैं श्वास नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? स्वयं को प्रश्न करें, यदि मैं शरीर नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? स्वयं से पूछे कि मैं मन भी नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? इस प्रश्न की खोज में कुछ समय लीन हो जाए। अब सब कुछ मौन हो जाएगा। सारे प्रश्न मौन हो जाएंगे। क्योंकि सभी प्रश्नों का उत्तर भीतर उजागर हो जाएगा। जब मन में तृप्ति का अनुभव हो जाए तो आप इस ध्यान से बाहर आ जाएं।